इटावा के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा एक रेफ्रिजरेटर अपने आप में एक पूरी कहानी बन गया। असल में उस रेफ्रिजरेटर में रखी एक लाश या यूं कहें कि एक कंकाल पूरे 40 महीनों तक अपने अंजाम तक पहुंचने का इंतजार करता रहा। ये पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी। आइए जानते हैं इस हत्याकांड की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके और हमारे चैनल क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लगभग 3.5 साल से एक सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में एक लड़की का कंकाल रखा हुआ था। इस दौरान लड़की के माता पिता थाने से लेकर अदालत तक दौड़ लगाते रहे। वो चाहते थे कि कम से कम उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनकी बेटी का कंकाल दे दिया जाए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके, लेकिन पुलिस के लापरवाह रवैये की वजह से ऐसा हो ना सका। फिर करीब 2 साल बाद किसी को डीएनए टेस्ट कराने का आइडिया आया, मगर इसके बाद कहानी और उलझ गई। इटावा के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखा एक रेफ्रिजरेटर अपने आप में एक पूरी कहानी है। असल में उस रेफ्रिजरेटर में रखी एक लाश या यूं कहें कि एक कंकाल पूरे 40 महीनों तक अपने अंजाम का इंतजार करता रहा। घरवाले कंकाल को इस रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने के लिए पुलिस थाने से लेकर अदालत की चौखटों पर एड़ियां रगड़ते रहे, लेकिन कंकाल को रेफ्रिजरेटर से आज़ादी नहीं मिल सकी। और तो और इन 40 महीनों में 2-2 बार उस कंकाल का डीएनए एग्जामिनेशन हुआ, मगर दोनों ही बार रिपोर्ट ऐसी आई कि मरने वाले शख्स की पहचान ही साबित नहीं हो सकी और इसी के साथ कंकाल की कैद की मियाद भी लगातार बढ़ती रही। मगर 40 महीने बाद अचानक एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि रेफ्रिजरेटर में कैद वो कंकाल एक ही झटके में ना सिर्फ आजाद हो गया, बल्कि रिहाई के फौरन बाद उसे उसकी सही जगह भी मिल गई, यानी कंकाल का अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि 2-2 बार डीएनए जांच के बावजूद जिस कंकाल की पहचान साबित नहीं हो सकी, आखिर 40 महीने के बाद ऐसा क्या हो गया कि एकाएक मरने वाले की पहचान साफ हो गई? और सवाल ये भी है कि अगर कंकाल की पहचान साफ हो गई तो फिर उस शख्स को कंकाल बनाने के दोषी यानी उसके कत्ल के गुनहगारों का क्या हुआ? तो जब आप एक रेफ्रिजरेटर में कैद रहे इस कंकाल की मर्डर मिस्ट्री सुनेंगे तो यकीन मानिए कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से कोई 3 साल और 4 महीने पहले। इटावा जिले की जसवंत नगर तहसील का एक गांव है चक सलेमपुर। उसी चक सलेमपुर की रहने वाली 19 साल की एक लड़की रीता 19 सितंबर 2020 को अचानक अपने घर से गायब हो गई। रीता किसी से मिलने जाने की बात कहकर घर से निकली और ऐसे गुम हुई कि किसी को ढूंढे नहीं मिली। इसी बीच घर वालों ने ना सिर्फ अपने तौर पर रीता की बहुत तलाश की बल्कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। लेकिन इससे पहले कि पुलिस रीता के बारे में कोई खास जानकारी जुटा पाती, गांव के बाहर एक बाजरे के एक खेत से एक कंकाल बरामद हुआ। कंकाल को देखकर साफ था कि उसकी मौत किसी केमिकल से जलाए जाने के चलते हुई है या फिर कत्ल के बाद लाश पर केमिकल डाला गया है। वैसे तो कंकाल को देखकर मरने वाले की पहचान नामुमकिन थी, लेकिन कंकाल के पास से मिला लेडीज चप्पल और कपड़े इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि ये कंकाल किसी और की नहीं बल्कि बमुश्किल हफ्ते भर पहले गायब हुई रीता का ही है। रीता के घर वालों को भी जब इस कंकाल का पता चला तो वो भागे भागे उस खेत के पास पहुँचे और कंकाल को अपनी बेटी का होने की बात कहते हुए उस पर दावा कर दिया। घर वालों का कहना था कि चूंकि कंकाल के पास से मिले कपड़े और चप्पल रीता के ही हैं,
ये लाश रीता के सिवाय किसी और की हो नहीं सकती। और तो और घर वाले रीता को इस हाल में पहुंचाने वाले यानी उसके कातिलों के नाम भी बता रहे थे। मगर रीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने, गांव के बाहर से कंकाल के बरामद होने और कंकाल के साथ ही रीता के कपड़े और चप्पल मिलने के बावजूद पुलिस ने रीता के घर वालों के दावे पर यकीन नहीं किया और किसी साइंटिफिक रिपोर्ट के बगैर उन्हें वो कंकाल सौंपने से भी मना कर दिया। पुलिस ने कंकाल बरामद की और उसे सीधे इटावा के सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवा दिया। और बस इसी के साथ एक कंकाल के फ्रिज में बंद होने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो पूरे 3 साल और 4 महीने तक चलता रहा। इस बीच रीता के घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक रामकुमार नाम के एक शख्स और उसके घर वालों पर अपनी बेटी के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। लेकिन लाख शिकायत के बावजूद उन्हें ना तो वो कंकाल मिला और ना ही वो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर सके। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और 2 साल में पहली बार इटावा पुलिस ने साल 2022 के शुरुआती दिनों में कंकाल के साथ साथ रीता के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए हैदराबाद की लैबोरेटरी में भिजवा दिया। लेकिन रीता के घर वालों को तब जोर का झटका लगा जब 26 मार्च 2022 को लैब से आई रिपोर्ट से ये बात साफ नहीं हो सकी कि लाश उनकी बेटी की है या नहीं। असल में डीएनए का सैंपल सही नहीं होने की वजह से रिपोर्ट अस्पष्ट थी। चूंकि रिपोर्ट साफ नहीं थी तो रीता के घर वालों ने उनकी दोबारा डीएनए जांच करवाने की मांग शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने फिर से उसी साल यानी 18 अगस्त 2022 को एक बार फिर से कंकाल के साथ साथ रीता के माता पिता का डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाया और दोबारा जांच के लिए भिजवाया। लेकिन सितम देखिए कि इस कोशिश का नतीजा भी वही निकला जो पहली बार निकला था। लैब से बताया गया कि सैंपल ठीक नहीं होने की वजह से डीएनए मैचिंग को लेकर किसी नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं है। यानी कंकाल को लेकर घर वालों का इंतजार एक बार फिर से लंबा हो गया। अब हार कर रीता के घर वालों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चूंकि इससे पहले दोनों बार रिपोर्ट साफ नहीं आई थी और कंकाल भी जस का तस फ्रीजर में ही पड़ा था, घर वालों ने एक बार फिर से कंकाल से उनकी डीएनए मैच करवाने की गुहार लगाई और कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो इसके लिए खर्च वहन करने को भी तैयार हैं। घर वालों की इस फरियाद को हाई कोर्ट ने ना सिर्फ गंभीरता से लिया बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताई कि आखिर कैसे पुलिस ने 3 साल से भी ज्यादा समय से एक कंकाल को फ्रीजर में रख छोड़ा है, जबकि किसी भी लावारिस लाश को ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे तक मॉर्चरी में रखे जाने का नियम है और इसके बाद जरूरी सैंपल सुरक्षित रखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन ये मामला थोड़ा अलग था। यहाँ पूरा का पूरा कंकाल ही फ्रीजर में पड़ा था लेकिन सैंपल ही सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो पा रहे थे। मगर कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब अदालत के आदेश पर इटावा पुलिस ने तीसरी बार डीएनए सैंपल कलेक्ट करवाए, कंकाल के भी और रीता के माता पिता के भी। और इस बार जब डीएनए की रिपोर्ट सामने आई तो वही हुआ जिसका दावा रीता के घर वाले 3 साल से भी ज्यादा समय से कर रहे थे। साइंटिस्ट ने रिपोर्ट दी कि कंकाल किसी और का नहीं बल्कि चक सलेमपुर गाँव की लड़की रीता का ही है। अब पुलिस ने आनन फानन में ना सिर्फ रीता के घर वालों को बुलाकर 3 साल और 4 महीने बाद अचानक वो कंकाल उनके हवाले कर दिया बल्कि जल्दबाजी में गांव के ही एक खेत में उसका अंतिम संस्कार भी करवा दिया। रीता के वो अवशेष पुलिस ने अपनी मौजूदगी में घर वालों से ही जमीन में दफन करवा दिए। यानी जो डीएनए सैंपल 2-2 जांच में फेल हो गया, तीसरी बार लिए गए सैंपल से ना सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट क्लियर हो गई बल्कि ये भी साफ हो गया कि कंकाल रीता का ही है।
फिलहाल पूरे 40 महीने बाद मॉर्चरी में बंद एक कंकाल की रिहाई तो हो गई, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया और तो और घर वालों को भी ये राहत मिल गई कि वो अपनी बेटी का अंतिम क्रियाएं कर सके। लेकिन जो सवाल अब सामने खड़ा है वो है कि आखिर रीता को इस हाल में पहुंचाने का दोषी कौन है। अगर वो वही है जिस पर घर वाले शुरू से इल्जाम लगाते रहे हैं, तो आखिर पुलिस की तफ्तीश से ये कब तक पता चलेगा कि रीता का कत्ल उसी गांव के रहने वाले रामकुमार ने किया था या फिर किसी और ने किया। आखिर पुलिस कत्ल के उस मामले में मकतूल को कब तक इंसाफ दिलाएगी जिसमें मरने वाले की पहचान पता करने में ही उसे 3 साल से ज्यादा लग गए। पुलिस सूत्रों की माने तो इटावा की रहने वाली 19 साल की रीता अपने गांव के ही रामकुमार यादव नाम के एक शख्स के बेहद करीब थी। दोनों की फोन पर एक दूसरे से ना सिर्फ लंबी बातें होती थीं, बल्कि दोनों वक्त वक्त पर एक दूसरे से मिलते भी थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि दोनों ना सिर्फ अलग अलग बिरादरी से थे बल्कि रामकुमार शादीशुदा और बाल बच्चेदार था। ऐसे में दोनों के घर वालों को ही रीता और रामकुमार के इस रिश्ते पर एतराज था। यही वजह है कि जब गांव के बाहर खेत से एक कंकाल मिला और कंकाल के पास से रीता के चप्पल और कपड़े मिले, तो रीता के घर वालों ने सीधा इल्जाम रामकुमार और उसके घर वालों पर लगाया। रीता के घर वालों का कहना था कि रामकुमार ने अपने घर वालों के साथ मिलकर रीता का कत्ल कर दिया है। सितम देखिए कि रीता की गुमशुदगी की शुरुआती तफ्तीश में भी इस बात का इशारा मिला था कि उसकी गुमशुदगी से गांव के ही रामकुमार का कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, क्योंकि अपने मोबाइल फोन पर उसकी आखिरी बातचीत भी रामकुमार से ही हुई थी। लेकिन तब से लेकर अब तक पुलिस ने कभी इस पहलू को ठीक से खंगालने की जरूरत ही नहीं समझी। शायद पुलिस ये सोच कर तफ्तीश करने से बचती रही कि अभी तो रीता की लाश की पहचान भी नहीं हुई है, जब लाश की पहचान हो जाएगी तो फिर तफ्तीश का देखा जाएगा। इसी दौरान रामकुमार का पूरा परिवार गांव छोड़कर चला गया। लेकिन अब डीएनए रिपोर्ट में कंकाल रीता का होने की बात साफ होने पर अचानक रामकुमार ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उधर 3 सालों से ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद अब तक पुलिस को रीता का मोबाइल फोन भी नहीं मिला है, और अब इतने साल बाद इस बात की गुंजाइश भी कम है कि रीता का मोबाइल फोन पुलिस कभी बरामद कर भी पाएगी। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।